मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मानव जाति के अत्यंत करीब होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन हर शिवलिंग में शिव स्वयं विराजमान होते हैं। ऐसे में शिवलिंग का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन को बड़े अनुष्ठानों का दिन माना जाता है। फ्रेंड्स, आज हम महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा के महत्व के बारे में जानेंगे। महाशिवरात्रि को साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि माना जाता है। ये दिन विशेष अनुष्ठानों का दिन होता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत और शिवलिंग की पूजा का क्या महत्व है। हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस उपलक्ष्य में महादेव के भक्तगण उत्सव मनाते हैं। महादेव का व्रत और पूजन करने के अलावा तमाम मंदिरों से भगवान शिव की बारात निकाली जाती है और विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह किया जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले शक्तिशाली शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए इस रात को जागरण की रात्रि कहा जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 1 मार्च को मंगलवार के दिन पड़ रही है। अगर आप भी महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो इस दिन शिवलिंग का पूजन जरूर करें। चलिए जानते हैं कि शिवलिंग का पूजन क्यों करना चाहिए। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मानव जाति के अत्यंत करीब होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन हर शिवलिंग में शिव स्वयं विराजमान होते हैं। ऐसे में शिवलिंग का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन को बड़े अनुष्ठानों का दिन माना जाता है। इस दिन यदि सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा की जाए तो प्रभु भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आइए जानते हैं कि शिवरात्रि के व्रत का क्या महत्व है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी आत्मा शुद्ध व निर्मल बनती है। महाशिवरात्रि का दिन महादेव के भक्तों को तमाम यातनाओं से बचाता है। अगर कुंवारी लड़कियां ये व्रत रखकर महादेव से योग्य वर की कामना करें तो उनकी कामना जरूर पूरी होती है। वही सुहागन स्त्रियां शिवरात्रि का व्रत करें और महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद लें तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। सुबह स्नान करके महादेव और माँ पार्वती के सामने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिवलिंग पर दूध दही घी शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। महादेव पर पुष्प बेलपत्र धतूरा बेर चंदन अक्षत दक्षिणा आदि चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। शिव स्तुति व शिव स्त्रोत का पाठ करें। सुबह और शाम को महादेव और माता पार्वती की आरती करें। हो सके तो शिवरात्रि की रात में जाग कर महादेव का पूजन करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि में मिट्टी या तांबे के पात्र में पंचामृत भरकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ये पंचामृत दूध गंगा जल केसर शहद और जल के मिश्रण से बनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करने वाले लोगों को पहले पहर में जल, दूसरे पहर में दही, तीसरे पहर में घी और चौथे पहर में शहद से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है उस स्थान पर भगवान शिव का स्वयं आगमन होता है। धार्मिक विश्वास है कि जो व्यक्ति संसारिक मोह माया से मुक्ति चाहता है और शिव की चरणों में स्थान पाना चाहता है उसे महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को खुश करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन भक्तों को ये ध्यान भी रखना चाहिए कि शिवलिंग पर पैकेट का दूध ना चढ़ाएं, जहाँ तक हो प्रभु के ऊपर ठंडा दूध ही चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान शिव को भूलकर भी चंपा या केतली के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर कभी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए और ना ही कटे फटे या टूटे हुए बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर सिंदूर से तिलक नहीं लगाना चाहिए। फ्रेंड्स,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।